तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहे होंगे मार्केट में। मार्केट में अभी बहुत सारी नई बातें आई हैं, जैसे कि FNO 30% टैक्स के बारे में, और भी बहुत, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि टैक्स जो है और FNO की जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी कुछ समय बाद, कुछ लॉट साइज़ इंक्रीज़ होगा, कुछ ये होगा कुछ वो होगा। बट सबसे ज़रूरी बात क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में ये सब जो कर रहे हैं तो इससे क्या कमाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कमाना बिल्कुल बंद नहीं होगा। जैसे लोग कमा रहे हैं वैसे ही लोग और उतनी ही दुगनी स्पीड से लोग कमाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे पॉइंट्स की जिससे आप बिगिनर लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग को एक इजी वे में लीजिए और इसे अपना घर चला सकते हैं। क्या इसे कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग आ चुके हैं मेरे सेटअप के स्क्रीन के ऊपर। बैंक निफ्टी को देख रहे हैं आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना बैंक निफ्टी को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। ज़रूरी चीज़ें पहले चार्ट चार्ट आपको दिख रहा होगा, एक मिनट साइड कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज़ लर्न करनी है? लर्न करनी है बेसिक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर दरअसल होता क्या है, कैंडलस्टिक क्या होती है, किस तरीके की एक्सपायरी होती है, ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं, क्या आपके लिए सही है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ होती है हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट दरअसल होता क्या है इसको एक बार देख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप अपना मार्केट को कितना लॉस करेंगे, कितना लूज़ करेंगे, यानी कि कितना एक ट्रेड के अंदर आप लॉस लेंगे, या आप 500 रुपये लॉस लेंगे, या फिर 5,000 रुपये लॉस लेंगे, या 50,000 रुपये लॉस लेंगे। जो भी लॉस लेंगे आप अपने पूरे कैपिटल के ऊपर, कैपिटल का 1% आपका लॉस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अब चलिए बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। और सेकंड जो थर्ड हमारी चीज़ है वो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, आपको सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप जो है वो मास्टर करना है। वो आपको एक ही सेटअप मास्टर करना है, उसी के अंदर आपको अपना 100% देना है, क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ 20% काम करेगी, बाकी 80-90% जो हमारा काम करता है वो साइकोलॉजी करती है, मनी मैनेजमेंट करती है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसको एक बार इरेज कर देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और जो बहुत ज़रूरी होता है आपका, सबसे ज़रूरी जो कहा जाता है वो फोर्थ पॉइंट है आपका। फोर्थ पॉइंट आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के आपको कितना एक ट्रेड के अंदर, अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपको इस 10,000 में से एक ट्रेड के अंदर कितना लेना है, कितना कैपिटल से ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे 5,000 से, ठीक 2,000 से, कितने कैपिटल से आप जो है ट्रेड कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। और इसी के ऊपर आपको जो है रिस्क करना होता है कि इसमें हम कितना रिस्क लेंगे, इसके अंदर हम कितना रिस्क लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये होती है कुछ एक ज़रूरी पॉइंट्स, जैसे मनी मैनेजमेंट हो गया, अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गया, और अपने बेसिक्स हो गए मार्केट के। इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके मार्केट में आइए और सीखिए। और फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपका डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन आपको इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखने का, कि आप इसको कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, वैसे आप मार्केट में। अब देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि 5EMA आप लोग देख रहे होंगे। 5EMA सेटअप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, इजी ट्रेड बनाते हैं। हर रोज़ यहाँ पर हम अपनी लाइव में आते हैं, 1 से 2 ट्रेड लेते हैं, कहीं पर 30 पॉइंट्स मिलते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं, और स्कैल्पिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करने के बाद 20 पॉइंट लेते हैं, और इंटरडे ट्रेड के अंदर 30 से 50 पॉइंट हम यहाँ पर इजीली कैप्चर करवाते हैं। अपनी लाइव, मेरी लाइव स्ट्रीम अगर आपने देखी होगी, जो लोग जुड़े हैं
उनको पता होगा कि हम कैसे हर रोज़, आज के दिन भी जैसे हमने यहाँ पर ये ट्रेड का इनिशिएट किया और इसको अच्छा खासा खींच के ले गए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। हम सिर्फ एक ही सेटअप यूज़ करते हैं और अपना इन्वेस्टिंग के लिए दूसरे सेटअप्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर ज़्यादातर जो ट्रेडिंग के लिए आपको एक ही सेटअप इनफ है। एक सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको सीखनी ज़रूरी थी, और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।